भारतीय वायुसेना के द्वारा पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले पर बिहार के खगड़िया में जश्न का माहौल है। कई संगठनों के लोग शहर में तिरंगा मार्च निकालकर शौर्य दिवस मना रहे हैं। कहीं लोग आतिशबाजी कर रहे हैं तो कहीं अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। लोग हाथों में तिरंगा लेकर भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। जश्न मना रहे लोगों का कहना है कि वायुसेना का पराक्रम देखकर उन्हें देश पर गर्व है। महज कुछ दिनों में ही पुलवामा हमले का बदला लिया गया है, इससे हर कोई खुश है। जैसे ही भारत का पाकिस्तान पर हवाई हमले करने की खबर सामने आई, बिहार के दरभंगा में भी लोगों में उत्साह देखने को मिला। लोगों ने सड़क पर तिरंगा झंडा लहराते हुए देशभक्ति गानों पर झूमने लगे। सभी लोग हाथों में अबीर गुलाल लेकर एक दूसरे के गालों पर अबीर लगाने लगे। लोगों ने न सिर्फ जश्न मनाया बल्कि लोगों ने खूब आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। मंत्री ने कहा था कि जो गलती करेगा उसको हम कभी माफ नहीं करेंगे और उसका उन्होंने आज जो सुबह से हम लोग सुन रहे हैं कि और उन्होंने एयरफोर्स को और मिलिट्री को अपनी खुली छूट दी थी, उस खुली छूट के तहत हमारे सैनिकों ने आज 3 बजे रात से बहुत सारे मिराज 2000 विमान से पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद के अड्डों पर उन्होंने चढ़ाई किया और बम गिराया और उस बम में 40 के बदले जो सुनने में आ रहा है कि 400-500 जैसे मोहम्मद के आदमियों को और पाकिस्तानियों को मार गिराया। ये सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है और ये कार्य हम लोगों को सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते थे और इसके पहले इस तरह की कार्रवाई कभी देखी नहीं गई और हमको लगता है कि आगे हम लोगों को ऐसी घटनाओं से ये ऐसी कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाइयाँ होंगी पाकिस्तान के अगेंस्ट में और जैसे मोहम्मद के अगेंस्ट में कि आगे अब इस तरीके की घटना का रिपीटेशन हम लोगों को नहीं होगा। 14 फरवरी को जिस दिन पूरा दुनिया प्रेम के जश्न में डूबा रहता है, पाकिस्तान ने नफरत का अपना स्वरूप दिखाया, अपना चेहरा दिखाया, हम लोगों ने आज उसका जो माकूल जवाब दिया गया था, शुरू से हम लोग कहते आ रहे हैं कि आज पूरा भारत आश्वस्त था कि जिस तरह का काम पाकिस्तान ने किया है सूद समेत हमारे प्रधानमंत्री जी उसको वापस करेंगे। आज आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग पहले सबूत दिया करते थे विदेशों में, अभी पाकिस्तान घूम रहा है जो मेरे ऊपर हमला हो गया। प्रधानमंत्री जी ने 42 का बदला, अभी तो 400 कही जा रही है लेकिन 42 का बदला लगता है 42,000 के रूप में लेने जाएंगे। अब पाकिस्तान की घिघी बदी हुई है, पाकिस्तान अगल बगल घूम रहा है, देख रहा है, लेकिन पूरा विश्व समुदाय मोदी जी के साथ खड़ा है। अभी तो शुरुआत हुई है, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा यदि वो अपनी व्यवस्थाओं पर ठीक ढंग से सही से सामने नहीं आया। वहीं दानापुर के भूतपूर्व सैनिकों ने पुलवामा हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान पर की जाने वाली कार्रवाई को लेकर काफी उत्साह दिखाया। पीओके में घुसकर बालाकोट स्थित जैश के आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर 1000 किलो का बम गिराकर आतंकियों को सफाया करने पर लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते नजर आए। साथ ही लोग तिरंगा लिए अपने मूंछ पर ताव फिराते दिखे। लोग रंग गुलाल लगाकर सड़क पर भारत माता की जयकारों के नारे के साथ सड़कों पर मार्च करते हुए दिखाई दिए। जिन बुजुर्ग हाथों में आप तिरंगा देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि भारत के पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने अपनी उम्र देश की रक्षा के लिए लगाया है और अभी भी जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सीमा पर जाने को तैयार हैं। इनके जोश और जुनून को देखकर वाकई हर कोई इन्हें सलाम कर रहा है। आज मैं भारत के उस प्रधानमंत्री का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने कल के डेट में आज तक आज़ादी के बाद से हुए शहीदों की एक स्मृति में स्मारक बनाया
और हिंदुस्तान के जाबाज सैनिकों ने, एयरफोर्स के जवानों ने पिछड़े की हुई उसकी कार्रवाई का त्वरित बदला 440 के जगह 440 का उसने बदला लिया है। इसके लिए हम देश के उन जवानों का जिसने इतनी हौसला अफजाई करके और उनके ट्रेनिंग सेंटरों को ध्वस्त किया है जहां से ये नापाक इरादे वाले लोग ट्रेनिंग लेकर के पैदा होकर के हिंदुस्तान को तकलीफ देते थे। आज की कार्रवाई इतनी जायज है जिसका कोई जवाब नहीं। भारत का हर नागरिक के इंतजार में था कि ये देश अपना करतूत कब दिखाएगा। बड़े खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री शहीदों के लिए स्मारक बनाए और हमारे जवानों ने इसका बदला लेकर उसको दिखा दिया और अपना ये पूरा किया। ओके, पूरे यहाँ के जो जितने भी पूर्व सैनिक हैं उन लोग के मन में इतनी ज़्यादा खुशी है कि हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई की मांग बहुत समय से चलते आ रही थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है, लेकिन ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कार्रवाई की है पाकिस्तान के खिलाफ में, पीओके के अंदर जाकर एयरफोर्स की सेना ने जो तबाही मचाई है, ये पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा हरकत नहीं करेगा पाकिस्तान। जाहिर है पुलवामा के शहीदों का बदला लेने का इंतजार हर किसी को था, लेकिन जैसी कार्रवाई पुलवामा के शहीदों के बदला लेने के लिए की गई है वो वाकई सराहनीय है। खगड़िया से स्वतंत्र सिंह, दरभंगा से प्रहलाद कुमार, मनेर से मनोज सिंह, बिहार तक।